यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम गुरांगी एंड ये जो एनर्जी आपको मेरे फेस पे आज देखने को मिल रही है, इट्स टोटली फेक बिकॉज आई एम रियली टायर्ड राइट नाउ। मेंटली भी, फिजिकली भी आई एम रियली टायर्ड। क्यों टायर्ड हूँ मेंटली का तो नहीं बता सकती, बट फिजिकली का आई ट्राई टू टेल यू इन सम अदर वीडियो या मे बी समडे। बट इट इज 9:30 रात के एंड लुक एट ऑल दिस बॉडी हेयर। ओके, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, बट 9:30 रात के एंड आई जस्ट सेट डाउन टू रिकॉर्ड दिस वीडियो बिकॉज बहुत डिले हो रहा था। सो आई वॉज लाइक अभी कर लेते हैं एंड मेरा आज जल्दी सोने का प्लान था, बट वो अब मुझे होते हुए नहीं दिख रहा बिकॉज वंस आई गेट रेडी आई थिंक कि मैं आई ऑलवेज थिंक कि मैं एक बार में एटलीस्ट 4-5 वीडियो शूट कर लूँ। सो बहुत सारी बातें कर ली, लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक विच इज़ आवर वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम फैशन टाइम सेविंग फैशन हैक्स जो कि आपको अगर आप वर्किंग हो, कॉलेज गोइंग हो, तो आपके बहुत काम में आ सकते हैं। लाइक छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो जिससे कि आपका बहुत टाइम बचेगा, आपको जल्दी जल्दी में भागना करना नहीं पड़ेगा। एंड ये मैं भी खुद यूज़ करती हूँ तो मेरी बहुत हेल्प होती है। सो आई थॉट आई शुड शेयर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद फैशन हैक नंबर 1 विच इज deciding in advance. So I've always been a kid who's already prepared for everything in advance and getting ready is exactly that. Also when you decide everything right from your outfit to your accessories the night before, obviously it gets more easy and more convenient for you to get ready the next morning or jab bhi aapko nikalna ho. स्कूल में भी ये आदत होती थी ना, लाइक मेरी तो होती थी, बिल्कुल रात में ही सारा टाई स्कर्ट शर्ट जो भी होता था यूनिफॉर्म वो सब कुछ निकल के इवन शूज पॉलिश होके रख जाते थे सो दैट नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम वेस्ट ना हो। तो ये मतलब हैबिट में होता है मोस्टली लोगों के, बट अगर तुम्हारी हैबिट में नहीं है तो उसको अपनी हैबिट बना लो एंड इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब मिक्सिंग एंड मैचिंग में तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जब तुम्हें जाना है तब तुम ऐसे ढूंढते नहीं रहोगे क्या पहनना है, किसके साथ क्या पेयर करना है। तुम लास्ट मिनट पर्सन हो तो भी आई गेस तुम्हारे लिए काम तो कर जाएगा, तुम बस सोच के रख सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या लुक अपना चाहिए, तो उससे तुम अपना टाइम सेव कर सकते हो। फैशन हैक नंबर 2 इज कीपिंग अ फ्यू पीसेस हैंडी। सो फॉर टाइम्स व्हेन यू गेट इनवाइटेड टू अ सडन प्लान, ऑब्वियसली देन यू कांट डिसाइड एनीथिंग इन एडवांस। सो फॉर दोज टाइम्स यू कैन कीप अ फ्यू पीसेस हैंडी, लाइक इट कैन बी अ कुर्ता और अ बॉडीकॉन ड्रेस और मे बी अ मैक्सी स्कर्ट, एनीथिंग जो भी तुम्हें जिसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि वो पीस तुम्हें कभी फेल नहीं करेगा, राइट फ्रॉम योर आउटफिट टू योर एक्सेसरीज। तुम अपनी ज्वेलरी भी पिक आउट कर सकते हो, ऐसी कुछ हमेशा लाइक इमरजेंसी आउटफिट्स या इमरजेंसी ज्वेलरी तुम ऐसी अपनी साइड रख सकते हो बिल्कुल, जिसमें तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो एंड तुम उसमें बिल्कुल अच्छे ही लगते हो, तुम्हें उसमें कोई एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट पुट ऑन दैट ड्रेस और दैट एक्सेसरी एंड यू आर गुड टू गो। आई ऑल्सो वन शो यू माई फेवरेट पीसेज जो मैं जब भी लेट हो रही होती हूँ या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो मैं हमेशा वही डाल के जाती हूँ। लाइक फॉर कैजुअल्स आई हैव दिस जंप सूट, अ प्ले सूट जो कि मैंने मीशो से लिया था, बहुत ही कैजुअल है। जस्ट पुट दिस ऑन, स्नीकर्स डालो, एक बन बनाओ या फिर एक पोनी टेल बनाओ एंड मैं रेडी हूँ। मुझे कोई मेकअप भी करने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी कूल, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड ऑल्सो आई हैव दिस ब्लैक एंड व्हाइट टॉप, ऐसे चेकर्ड टॉप है, ये भी मैंने मीशो से लिया था, इसकी फिटिंग बहुत प्यारी है, इसको स्कर्ट के साथ, बेल बॉटम के साथ, लेदर पैंट के साथ मैं किसी के साथ भी पेयर करती हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड फॉर लाइक ड्रेसअप ड्रेसअप आई हैव दिस जंप सूट, ये भी अगेन मीशो से ही है, मेरा ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मीशो से ही होते हैं, लाइक ज़्यादातर चीज़ें मेरी मीशो से ही होती हैं। इसकी मैं फोटो डाल दूंगी एंड इसकी भी फिट काफ़ी प्यारी आती है। एंड मेरा हमेशा का है, मैं अगर मुझे पता भी है कि मुझे कहीं जाना है और कोई सडन प्लान भी है तो भी हमेशा आई कीप माई ज्वेलरी मिनिमल बिकॉज आई लाइक इट दैट वे। एंड मेकअप में मेरा हमेशा होता है, मेरी आईज थोड़ी सिंपल रहती हैं, लाइक जो अभी मैंने की हुई है वैसी रहती हैं। एंड आई लाइक टू एड अ बोल्ड एंड बोल्ड लिप कलर, मुझे वाइन एंड ब्राउन शेड्स बहुत पसंद हैं तो मैं डार्क लिप कलर लगाती हूँ एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट बिकॉज मुझे लगता है कि मेरा फेस उससे बहुत खिल जाता है तो मैं ऐसा कुछ पेयर करती हूँ। एंड देन आई हैव दिस स्नेक प्रिंट टॉप, इसमें भी मैंने कई बार पहना है इसको भी मैंने एंड आई लाइक इट वेरी वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इसको मैं यूजुअली लेदर पैंट्स के साथ ही पहनती हूँ या लेदर स्कर्ट एंड ये मुझे बहुत पसंद है एंड इट लुक्स वे टू फैंसी, बहुत अच्छा लगता है एंड अगेन फ्रॉम मीशो। सो दीज आर अबाउट द दिस इज अबाउट द क्लोथ्स। आई वांट टू शो यू माय एक्सेसरीज एज वेल। मैं यूजुअली नेक पीसेस बहुत कम पहनती हूँ, आज इसका गला थोड़ा वाइड था, बड़ा था, तो इस वजह से मैंने ये ऐड कर लिया। दिस इज फ्रॉम मिस्टर DIY, लुक्स कूल। बट मैं इयररिंग्स एंड ब्रेसलेट्स वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ। सो आई हैव दिस बॉक्स, ये बहुत पुराना एक बॉक्स है, इसके अंदर आई हैव फ्यू नहीं बहुत सारे मिनिमल ज्वेलरी पीसेस जो कि मैं
हर आउटफिट के साथ डाल के जाती हूँ. कभी भी मुझे सोचना नहीं पड़ता, इसमें से मैं कुछ भी उठा लेती हूँ एंड इट लुक्स गुड. मेरे फेवरेट तो ये वाले स्टड्स हैं, ये मैंने कई बार दिखाए हैं, तो मैं या तो ये पहनती हूँ और आई हैव पर्ल हुप्स एज वेल. ये छोटे वाले पर्ल हुप्स आर माई फेवरेट, तो मैं ये भी पहनती हूँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है. तो इस टाइप के एंड आई लाइक टू वेयर ईयर कप्स एज वेल. मेरे कई वीडियोज में आपने ईयर कप्स देखे होंगे, मैं वो पहनती हूँ. तो दिस इज अ बॉक्स ऑफ वेरी मिनिमल एंड डेंटी पीसेस जो कि मैं किसी भी चीज़ पर ऐड कर लेती हूँ, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं. एंड फॉर ब्रेसलेट्स आई हैव दीज, एक ये बॉक्स है जिसके अंदर आई हैव मल्टीपल ब्रेसलेट्स, मोस्टली चेन्ड ब्रेसलेट्स हैं जो कि मुझे चेन्ड ब्रेसलेट्स पहनना ज़्यादा पसंद है. एंड अ फ्यू पीसेज लाइक दिस, इस टाइप के पीसेज में मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो इनमें मुझे सोचना नहीं पड़ता है. एंड आई जस्ट ऐड दीज, आई जस्ट पुट ऑन दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स, आई ऐड अ नाइस बोल्ड लिप कलर. एंड मेरे बैग्स में भी मेरे पास दो ऑप्शन हैं, काफ़ी सारे बैग्स हैं, बट आई हैव टू बैग्स, एक ब्लैक बैग मिनीसो का एंड एक वाइट पर्ल बैग, जो भी अगेन आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा. वो दो बैग्स पे मैं हमेशा आई ऑसिलेट बिटवीन दोज टू बैग्स, तो मैं उन्हीं में से कोई भी कैरी करती हूँ. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लुक बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बाकी किसी के ओपिनियन से तो मतलब भी नहीं है. एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट कीपिंग फ्यू पीसेज हैंडी. एंड मैंने अपने पीसेज भी आपको दिखाए हैं, सो इट्स अप टू यू, आप किस टाइप के पीसेज अपने लिए हैंडी बना के रखते हो, व्हाटएवर, यू गेट द पॉइंट. Our next point is keeping a simple makeup routine. So now this point revolves around the previous one. You should always figure out a routine that works for you. एक simple 2-3 step makeup routine अपने लिए figure out कर लो, बना लो. ऐसे products रखो जो कम time लेते हैं use करने में and उनका result भी अच्छा होता है. तो मेरा तो अपना बहुत simple सा makeup routine है, like जो अभी भी मैंने किया है, it took me hardly 4 or 5 minutes to do it and I think मेरे लुक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है. लग रहा है कि हाँ मैंने मेकअप किया है एंड बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लग रहा, बिकॉज देर इज़ नो बेस, नो कंसीलर, नो फाउंडेशन, नो बीबी क्रीम. इट्स जस्ट सम मस्कारा विथ सम ब्राउन काजल, लॉट्स ऑफ ब्लश एंड अ गुड लिप कलर. तो दिस इज़ माई रूटीन. मैं जब भी लेट होती हूँ या मुझे जिस दिन मेकअप करने का ज़्यादा मन नहीं होता, मैं इतना करती हूँ. लिपस्टिक इज़ कॉन्स्टेंट फॉर मी एंड सम ब्लश. आइज़ पे भी, बिकॉज मेरी आइज़ बहुत छोटी हैं तो मेरा फेस बहुत वियर्ड लगता है अगर मैं आइज़ पे कुछ नहीं करती हूँ, तो इस तरीके से साइड्स में काजल लगाना, आई रियली लाइक टू डू दैट. एंड इससे मेरा फेस मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्राइटन अप लगता है. सो दिस इज़ वॉट आई डू. आई नेवर फॉरगेट टू फिल माई आईब्रोज एंड दिस हार्डली टेक्स मी लाइक 5 मिनट्स टू डू इट. एंड दिस इज़ माई सिंपलेस्ट रूटीन. बट अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ एंड मेरे दिमाग में है भी ऐसा, बट फॉर नाउ आई कैन टेल यू, लाइक आप अपना बीबी क्रीम को रिप्लेस कर सकते हो विद अ टिंटेड सनस्क्रीन. तो आप सनस्क्रीन एंड बीबी क्रीम लाइक बेस का भी काम आपका हो जाएगा. यू कैन यूज़ अ लिप टिंट और ऐसी कोई लिपस्टिक जो आपकी आईज, लिप्स एंड चीक्स तीनों पर काम कर जाए. यू कैन यूज़ योर मस्कारा टू फिल इन योर ब्राउज. तो मस्कारा भी आपने कर लिया एंड आपकी ब्राउज भी फिल हो गई, लाइक 2-in-1. तो इस टाइप के हैक्स आप यूज कर सकते हो एंड इस टाइप की चीजें से आपका टाइम भी बहुत बचेगा एंड आपका लुक भी ऑन पॉइंट रहेगा. नाउ द नेक्स्ट हैक मैंने लैपटॉप में आ रखा है बिकॉज उसमें मैंने सब कुछ नोट किया हुआ है. नेक्स्ट हैक केस जो मैंने अभी किया हुआ है, इट्स कीपिंग अ ड्राई शैम्पू विद यू. बिकॉज फॉर दोस ग्रीसी हेयर डेज, जब आपके पास हेयर वॉश का टाइम नहीं होता है, ड्राई शैम्पू सेव्स यू अ लॉट, हेल्प्स यू अ लॉट. ऑल्दो मैं ड्राई शैम्पू अभी यूज़ नहीं करती हूँ, बट आई यूज़ टैल्कम पाउडर. अगर आपके पास ड्राई शैम्पू नहीं है, नो नीड टू वरी, नो नीड टू बाई इट, जस्ट गो फॉर अ टैल्कम पाउडर. मैंने अभी भी टैल्कम पाउडर ही यूज़ किया है. मेरे बाल बहुत ग्रीसी हो रहे थे एंड मुझे बिकॉज वीडियो शूट करनी थी एंड मुझे कुछ ऐसा लुक चाहिए था, दैट्स वाई आई यूज अ पाउडर, टैल्कम पाउडर. एंड उससे बाल मेरे काफ़ी बेटर लग रहे हैं पहले से, आई मीन उतने ग्रीसी नहीं लग रहे जितने पहले लग रहे थे. सो आपका हेयर वॉश का टाइम बच जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, बट इट सेव्स यू अ लॉट एंड अ पाउडर वर्क्स जस्ट द सेम एज अ ड्राई शैम्पू. सो इट्स अ मस्ट बाय फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आप उसे अपने बैग में कैरी करके लेके जाओ. आप उसे रख सकते हो, नॉर्मली भी रख सकते हो, कभी भी सडन प्लान्स बनते हैं तो मतलब नो नीड टू वरी कि बालों का क्या किया जाए. जस्ट स्प्रिंकल सम ड्राई शैम्पू और सम पाउडर एंड यू कैन
have the hair you want. Talking about the hair, you can also learn some quick and easy hairstyles that will help you take your look up a notch. बहुत ही easy सी hairstyles like two step, three step hairstyles आप सीख सकते हो. There are millions of videos on YouTube. In fact, I have quite a few on my channel as well. I'll try to link them down in the description box down below. अगर नहीं तो आप मेरे channel पे सीधा जाके देख सकते हो. I have a playlist on that. And कभी अगर आपको different look चाहिए होता है उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं. वेल आई लाइक टू कीप माई लुक दिस वे ओनली. मुझे मैं कितनी भी हेयर स्टाइल्स की वीडियोज बना लूँ एट द एंड ऑफ द डे आई लाइक टू कीप माई लुक जस्ट लाइक दिस. इट्स बिन लाइक 4 years मैं ऐसे रखते आ रही हूँ अपने बाल, तो मैं इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ. बट हैविंग सेड दैट इट्स अप टू यू. आप सीख सकते हो. लाइक अगर आपको अपने इस टाइप के अलग अलग लुक्स ट्राई करने का बहुत मन है, यू कैन जस्ट लर्न अ फ्यू हेयर स्टाइल्स, क्विक एंड ईजी हेयर हैक्स और हेयर स्टाइल्स. माई सिक्स पॉइंट वुड बी यू कैन ऑलवेज कैरी अ फ्यू पीसेस इन योर बैग, वट एवर बैग यू आर कैरिंग. तो उसमें आप अपने कुछ पीसेस डाल सकते हो, कुछ अपना मेकअप डाल सकते हो. मेकअप तो यूजली हम डालते ही अपने अपने बैग्स में, बट ऐसे ज्वेलरी पीसेस आप हमेशा अपने बैग में रख सकते हो एज ए सैड इमरजेंसी पीसेस, जो कि आपको किसी भी आउटफिट के साथ बहुत ही वर्सिटाइल हो. ऐसे पीसेस आप हमेशा कैरी कर सकते हो अपने साथ. फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में हो एंड आपका कोई सडन प्लान बन गया, तो अगर आपने कुछ मतलब वट एवर आउटफिट यू आर वेयरिंग उसके साथ आपके पास कुछ स्टेटमेंट पीस है पहनने के लिए, कोई इयर रिंग्स या कुछ नेक पीस आपके पास कुछ है एज अ स्टेटमेंट सा, तो आपका लुक वहीं से काफ़ी डिफरेंट हो सकता है. लाइक विद इन नो एफर्ट्स जस्ट एडिंग अ सिंपल पीस ऑफ ज्वेलरी, स्टेटमेंट पीस ऑफ ज्वेलरी. आप कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स रख सकते हो अपने पास, लाइक दोज बिग बल्की पीसेस विच आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली वैसे तो, बट आप उन्हें रख सकते हो इफ़ यू आर इन टू दोज पीसेस एंड दे विल टेक योर लुक अप एंड नॉच, बिकॉज बहुत ही कम एफर्ट्स में बहुत ही अच्छा लुक आपका क्रिएट हो जाता है. आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ इन अ ब्लैक शर्ट एंड हैविंग अ वाइन लिपस्टिक. आई वुड अप्लाई दैट वाइन लिपस्टिक एंड आई विल पैट इट ऑन माई चीक्स एंड थोड़ा सा ब्राउन काजल और मे बी अ वाइट काजल इन माई आईज एंड सम मस्कारा. अ गुड ज्वेलरी पीस एंड आई एम गुड टू गो. इतना तो ये छोटी छोटी चीज़ें सुनने में बहुत बड़ी लग रही है, बट छोटी सी चीज़ है ये. जस्ट कैरी अ मस्कारा, कैरी अ लिप शेड दैट सूट्स यू एंड उससे आपके पूरा फेस का मेकअप हो जाएगा एंड एक कोई ज्वेलरी पीस, यू आर ऑल सेट. ओ माई गॉड, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था. येस ओके. आर सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज अगेन उसी के जैसा है थोड़ा सा, इज लर्निंग अ फ्यू फैशन हैक्स. लाइक फैशन हैक्स इन द सेंस जो आउटफिट्स के हैक्स होते हैं आप वो सीख सकते हो. कुछ लाइक टर्निंग योर स्कर्ट इन टू अ शर्ट और शर्ट इन टू अ स्कर्ट, वट एवर इस टाइप के जो हैक्स होते हैं. वेयरिंग वन पीस इन मेनी वेज, इस टाइप में बहुत हेल्प होती, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. बिकॉज यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे लाइक एंडलेस ऑप्शन हैं. आप इस टाइप के हैक्स सीख सकते हो एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्लिप ड्रेस है, लाइक द वंस लाइक जो ऐसी स्लीवलेस ड्रेस होती हैं, स्लिप ड्रेस है आपके पास. वेयर अ टी शर्ट ओवर इट एंड टाई अ नॉट इन फ्रंट और उसके ऊपर सॉरी उसके अंदर पहन लो, बहुत क्यूट लुक बनता है. इस टाइप का कुछ ऐसा नेक पीस डाल लो. बहुत बहुत सारे एंडलेस ऑप्शंस हैं. यू कैन ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर एक्सपेरिमेंट एंड कुछ अच्छा ही निकलेगा. सो गेटिंग टू नो अ फ्यू ऑफ दीज हैक्स इज रियल टाइम एंड एनर्जी सेवर. So these were all the hacks that I wanted to share. मुझे बताना इसमें से तुम्हें कौन कौन से पहले से पता थे, या तुम्हें इसमें से पता तो तुम्हें बहुत सारे होंगे, बट अगर नहीं पता थे जिसको भी तो उससे शायद इस वीडियो के थ्रू पता लग जाए. एंड इसमें से तुम्हें कौन कौन से तुम यूज करते हो पहले से तुम मुझे बताना. तो अगर वीडियो ने हेल्प की हो किसी भी तरीके से तो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.